नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड न्यूज नेटवर्क में। और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के हीरो नंबर एक गोविंदा से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर के बारे में। हाल ही में गोविंदा जी के साथ एक दुर्घटना हुई है, जब उन्होंने गलती से अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने पैर में गोली मार ली। साथ ही हम उनके परिवार के बीच चल रहे विवाद के संभावित अंत पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, मंगलवार की सुबह गोविंदा जी को अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ करते वक्त एक अनहोनी का सामना करना पड़ा, जब गलती से गोली उनके पैर में लग गई। यह घटना तब हुई जब गोविंदा जी कोलकाता के लिए रवाना होने वाले थे। जैसे ही ये खबर आई, उन्हें तुरंत जुहू के क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी चोट से गोली को निकाल दिया। इस खबर के सामने आते ही गोविंदा जी की भांजी कश्मीरा शाह को हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए आते देखा गया। बता दें कि कश्मीरा कृष्णा अभिषेक की पत्नी हैं और गोविंदा जी उनके मामा हैं। हालांकि बीते कुछ समय से कश्मीरा और कृष्णा का गोविंदा के परिवार के साथ विवाद चल रहा था, लेकिन इस मौके पर कश्मीरा बिना किसी देरी के हॉस्पिटल पहुंची। दोस्तों, यह विवाद तब और गहराया था जब कुछ दिनों पहले गोविंदा की पत्नी सुनीता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो द कपिल शर्मा शो पर इसलिए नहीं जाती क्योंकि वहां कृष्णा होते हैं। उन्होंने टाइम आउट विद अंकित के पॉडकास्ट में साफ कहा था कि कृष्णा और कश्मीरा के साथ उनकी बिल्कुल नहीं जमती है। लेकिन अब जब कश्मीरा ने इस मुश्किल वक्त में गोविंदा जी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में कदम रखा, तो क्या ये इस फैमिली फ्यूड के अंत की शुरुआत हो सकती है? पापाराजी ने जब कश्मीरा से इस बारे में बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बिना कुछ कहे सीधे अंदर जाने का फैसला किया, जिससे ये संकेत मिलता है कि शायद रिश्तों में सुधार की शुरुआत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक बातचीत में कृष्णा अभिषेक ने कहा था कि वो अपनी मामी सुनीता को मना लेंगे। उन्होंने कहा, मामी ने मुझे हमेशा अपने बच्चे की तरह प्यार किया है, उनके पास मुझ पर नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ गुस्से में कहा गया है। मैं उन्हें मना लूंगा क्योंकि वो मेरी मामी हैं। ये बयान भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि परिवार में सब कुछ ठीक करने की कोशिशें चल रही हैं। तो दोस्तों, क्या ये परिवार का पुराना झगड़ा अब खत्म होने की कगार पर है? क्या कश्मीरा के हॉस्पिटल जाने से रिश्तों में मिठास लौटेगी? हमें आपके विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल बॉलीवुड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बॉलीवुड की हर ताज़ा खबर सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।